वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फार्मिंग इंजीनियर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मसाले की जो अगर आप इंडिया में हैं या बाहर भी किसी कंट्री में हैं, आपने कभी ना कभी उसका टेस्ट तो किया ही होगा। आज हम बात करने वाले हैं सिनेमन की। सिनेमन या उसको हम हिंदी में दालचीनी बोलते हैं। दालचीनी क्यों बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, तो अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ। बाकी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये एक ऐसा स्पाइस है जिसके अंदर एक अच्छा सा मीठा टेस्ट है और तीखा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। और आप बिरयानी ले लीजिए, ऑल फेवरेट, माय फेवरेट बिरयानी, उसके बाद बहुत सारे केक और कॉफ़ी के अंदर भी ये पड़ता है, इसका पाउडर जो होता है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये सिनेमन एक्चुअली इट्स नथिंग बट अ बार्क ऑफ अ ट्री। ये एक पेड़ की छाल से बनता है। आप सोच नहीं सकते, मैं यहाँ पे एक्चुअली एक सिनेमन ट्री के नीचे खड़ा हूँ और यहाँ पे उसका कितना खुशबूदार अरोमा पूरा इसमें फैला हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं सिनेमन की, तो वीडियो को आप आखिर तक देखो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले अभी उसको सब्सक्राइब कर लो। तो ये है सिनेमन का ट्री या दालचीनी का पेड़। इसका अगर आप साइंटिफिक नाम चाहते हो तो सिनेमोमम वेरम इसका ऐसा साइंटिफिक नेम है, जो बहुत ही फ्रेग्रेंट और एरोमेटिक है। अगर जैसे आप ये सिंपल, मैंने यहाँ से ये एक बार को तोड़ा, आप इसको स्मेल करके बता सकते हैं, इतना बढ़िया और अच्छा फ्लेवर है इसका। ये ज़्यादातर श्रीलंका के घने जंगलों में पाया जाता है। तो हमें पता है कि श्रीलंका एक आइलैंड है और आइलैंड होने की वजह से आजू बाजू में समुद्र है और उसकी वजह से ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिड क्लाइमेट है वहाँ का और कंटिन्यूस रेन होती है, तो ये सपोर्ट करता है सिनेमन को ग्रो करने में, इसीलिए वहाँ के फॉरेस्ट में ये पाया जाता है। तो वहाँ पे उसकी प्रोफेशनल खेती की जाती है। अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कहीं पे है कहीं पे नहीं, तो अगर एक आधा पेड़ है तो वो अवेलेबल होता है, तो मोस्टली ये जंगलों में पाया जाता है। तो सिनेमन का ज़्यादा कोई बड़ा प्रिंसिपल नहीं है, यही है कि इसमें जो लंबे लंबे जो टहनियाँ हैं वो टहनियाँ कट की जाती है, इसके ऊपर इसकी बार्क आती है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। पील करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तोड़ने के बाद उसको भिगो के रखते हैं और भिगो के रखने के बाद उसको ये बार्क ऐसा निकाला जाता है यहाँ से। तो ये आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं कि इसे कमर्शियली कैसे हार्वेस्ट किया जाता है। तो इसे कैसा है कि हर दो साल में, हर तीन साल में जब उसकी बारीक टहनियाँ होती हैं उसी टाइम पे उसको कट किया जाता है नीचे से, बाकी फिर वापस वो ग्रो करना चालू हो जाता है। तो कट करने के बाद सबसे पहले उसे भिगोया जाता है। भिगो के रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो ईजिली पील ऑफ हो जाता है। फिर उसके बाद उसकी स्किन को, जैसे ये डेड स्किन होगी तो डेड स्किन को उसकी निकाला जाता है। डेड स्किन को निकालने के बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है उसके कटिंग का। वहाँ पे आपको इस तरह से ब्लेड या फिर जो भी धारदार चीज़ है उस तरह से उसको कट किया जाता है, तो आपको परफेक्ट स्किन बाहर आती है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है ड्राइंग का, क्योंकि ड्राइंग इम्पॉर्टेंट है कि आपके आप तक पहुँचने के लिए और उसकी शेल्फ लाइफ के लिए। तो उसे इस तरह के रैक्स में उसको ड्राई किया जाता है। तो मिलेगा इसके बेनिफिट्स तो मैं आपको बता नहीं सकता कितने बेनिफिट्स हैं। हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे हैं और मैं वही सेम मैं रिपीट करना चाहूँगा कि डाइवर्सिटी जो इंडिया में थी प्लांट्स की, फॉरेस्ट जो थे हमारे वो फॉरेस्ट डिफॉरेस्ट कर दिए गए, तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर आप कहीं पे फ्यूचर में कुछ चालू करना चाहते हैं, आपके पास खेती है, खाली पड़ी है, आपके पास जगह है लगाने के लिए, तो आप ऐसे ट्रीज ज़रूर लगाइए। हमने रुद्राक्ष का एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो चेक कीजिए। तो वहाँ पे रुद्राक्ष का प्लांट भी बहुत जगह पे मिल जाता है, आप रुद्राक्ष प्लांट कीजिए। दूसरी बात, ये एरोमेटिक जो प्लांट्स है उस तरह से ये सिनेमन का प्लांट आप प्लांट कीजिए। और भी हमारे वीडियोज़ हैं वो आप देखिए, अगर आपको पसंद आते हैं तो आप हमें बताइए। और अगर ऐसी और वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कैसे बनने वाले, हम एक दालचीनी का, सॉरी, इसका अपना काली मिर्च का एक वीडियो बनाने वाले थे, मैंने बताया था आपको, बट कोकन में जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हमें काजू का एक वीडियो बनाना है, काजू के लिए भी लॉकडाउन लगा हुआ है इस वजह से जा नहीं सक रहे, मगर जब भी जाएंगे तो आपको पक्का दिखाएंगे। तो इस तरह के और वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन आए और फिर आपको पता चले कि क्या, कौन सा वीडियो आया, कौन सा नहीं आया। तो ठीक है, फिर आज का यहीं तक।
इसके भी प्लांट्स अवेलेबल है, ये शैलेश नर्सरी में है। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से मंगवा सकते हैं, आप ऑनलाइन सर्च कीजिए उनका, नहीं तो मैं यहाँ पे नीचे नंबर डाल दूंगा, तो आप उनको कॉल कर लीजिएगा। ओके ओके, फिर बाय बाय।